हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजों का प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। एग्जिट पोल के सारे दावों को झुठलाते हुए जो परिणाम निकलकर सामने आए हैं उससे दोनों ही पार्टियां चौंक गई है। हरियाणा में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगा दी है तो जम्मू और कश्मीर में धारा 370 के हटने के बाद पहली बार हो रहे चुनाव में क्षेत्रीय दल बीजेपी पर भारी पड़ गए। अब राजनीतिक विशेषज्ञ भी वो कारण तलाश रहे हैं जिसके चलते एग्जिट पोल को मात देते हुए दोनों ही राज्यों में नतीजों ने चौंका दिया। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दो राज्यों में हुए चुनावी नतीजों ने बीजेपी का आत्मविश्वास और भी बढ़ा दिया है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव का कहना है कि 10 साल में बीजेपी ने हरियाणा की दशा और दिशा बदल दी है, जिसके चलते ही हरियाणा की जनता ने उसकी जीत पर मोहर लगाते हुए डबल इंजन की सरकार बनाने का फैसला लिया है। दूसरी ओर कांग्रेस फिर से ईवीएम मशीन की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रही है। उसका कहना है कि किसी भी एजेंसी के एग्जिट पोल में कांग्रेस के पिछड़ने की बात नहीं थी। हरियाणा में किसान, युवा, महिला सभी सरकार से नाराज थे, फिर नतीजे एग्जिट पोल से उलट कैसे हो गए? देखिए, जो 10 सालों में हरियाणा की दशा और दिशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने बदली है और हरियाणा की जनता ने उसी पर मुहर लगाकर तीसरी बार फिर से डबल इंजन की सरकार बनाने का निर्णय किया है, तो निश्चित रूप से जो विकास की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है उसी का परिणाम हरियाणा में दिख रहा है। पिछले चुनाव में भी मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से एग्जिट पोल ने रिजल्ट जो होने की उम्मीद बताई थी वो सारे के सारे फेलियर निकले थे। इस समय भी वही हो रहा है। एग्जिट पोल जो हरियाणा के मामले में कोई भी एजेंसी ने, किसी भी ने ये उनके सर्वे में ये नहीं था कि वहां से कांग्रेस कमजोर पड़ रही है। अब बीजेपी ईवीएम पर सवाल उठाने को लेकर कांग्रेस की आलोचना कर रही है। बीजेपी का कहना है कि एक साथ दो राज्यों के चुनाव नतीजे आए हैं जिसमें जम्मू कश्मीर के नतीजे जिसमें कांग्रेस बढ़त बनाती दिख रही है वहां पर ईवीएम ठीक है, लेकिन हरियाणा के नतीजों को लेकर सवाल उठाना कांग्रेस की दोहरी मानसिकता को दर्शा रहा है। कमजोरी को दबाने की कोशिश करते हैं, हार गए हैं, जनादेश है, जनादेश को इनको स्वीकार करना चाहिए, लेकिन ये लोकतंत्र तांत्रिक पद्धति पे और चुनाव की प्रक्रियाओं पे ऐसा दोष मढ़ के अपने कमजोरियों को कांग्रेस छुपाने का प्रयास करता है, तो इनको अब जनता समझ चुका है कि ये अपने भ्रष्टाचार, वंशवाद, परंपरा के कारण ये चुनाव हार रहे हैं। बहरहाल चुनावी नतीजे इस बात का प्रमाण है कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है। ऐसा पहली बार नहीं है जब चुनावी नतीजों ने राजनीतिक दलों को हैरान किया हो। इससे पहले छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आए विधानसभा चुनाव के नतीजों ने राजनीतिक पंडितों के सारे समीकरणों को फेल करके रख दिया था। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट।